रोड पर गाड़ियां फिर रही है जिसमें नूर और पीपल्स पार्टी का झंडा साथ साथ लगा हुआ तो तकलीफ होगा। मगर बात यह है कि आपके लिए अहम बात क्या है, आपके लिए अहम बात यह है कि पिछले 60 साल में नया रोड बनी है, नया स्कूल बने, ना अस्पताल बने, ना काबिल लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना किसान को उसका जायज हक मिल रहा है और ये मुल्क दुनिया भर में बदनाम हो रहा है, इसलिए कि दूसरे मुल्क आकर हम पर हमला करते हैं और हमारे लीडर उन्हें इजाजत देते हैं कि आओ हम पर हमला करो और हमारे लोगों को मारो। मगर अब ये बातें नहीं होंगी इंशाल्लाह। अब पीटीआई ने गरीब लोगों को और नौजवानों को जगा दिया है, आपकी मौजूदगी इस बात की शहादत है, आपकी मौजूदगी इस बात की नमाज है कि अब ये मुल्क जाग गया है और जब आप जाग गए हैं तो इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, यहाँ खुशहाली, खुद मुख्तारी और खुददारी का राज होगा और आपके मुंतखब लीडर इस मुल्क के लिए खुशहाली और इतनी तरक्की का जरिया बनेंगे। मगर आपके लिए पीटीआई का प्रोग्राम क्या है, पीटीआई आपके लिए क्या करना चाहती है, प्रोवा के लिए, डीए खान के लिए क्या करना चाहती है? एक बात तो ये है कि इंशाल्लाह जब लेफ्ट बैंक बनेगी तो यहाँ कम से कम 3 नई शुगर मिलें लगेंगी ताकि आपका जो गंदा है वो मुनासिब कीमत पर बिक सके। दूसरी बात ये है कि डीए खान के खत्ते में सरायकी बहुत बड़ी तादाद में आबाद है और सरायकियों को उनका जायज हक मिलना चाहिए, तो हमारी पार्टी के मंशूर में ये भी है कि तमाम तबकों को उनके आबादी के तनासुब के हिसाब से सरकारी नौकरियों में कोटा मिलना चाहिए और इंशाल्लाह नसीम जब असेंबली में जाएगा, मुस्तफा जब असेंबली में जाएगा तो आपके कोटे के लिए जरूर इंशाल्लाह करारदाद पेश होगी। तीसरी चीज ये है कि डीए खान एक जरिए इलाका है, यहाँ लोगों का जो उनकी कमाई है वो जरात के शोबे से होती है और जब किसान अपनी फसल काश करता है तो उसे महंगे दामों पर खाद देना पड़ती है, उसे महंगे दामों पर बीज लेना पड़ता है, तो हमारी पार्टी का ये भी प्रोग्राम है कि आपके 6 महीने के लिए फसलों के लिए कर्जा दिया जाए ताकि आप अपनी खाद और बीज खरीद सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। मगर ये सब सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब आप 12 मई को बल्ले पर मोहर लगाकर हमारे जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, इन्हें असेंबलियों तक पहुंचाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह, जब ये असेंबलियों में जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, इस इलाके के लिए काम करेंगे और उसे खुशहाली और तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं जतुल्ला खान कुंडी, कादर खान कुंडी, अजीजुल्ला खान कुंडी और अहमद शाह खान कुंडी, प्राण कुंडी आबाद मंडो शरीफ से जलसे में तशरीफ पावरी पर उनका खुश आमदीद कहते हैं। खैर बदी नकड़म दजर सरा तसली उसा था, खैर बदी नकड़म दजर सरा तसली उसा।